मॉर्निंग बच्चों, आप लोग आज क्या करेंगे? मैथ्स में व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद में। आफ्टर मतलब बाद में। कल हमने क्या सीखा था? बिफोर। बिफोर में क्या करते थे? पहले वाली संख्या लिखते थे। आज हम क्या करेंगे? बाद वाली लिखेंगे। तो जैसे बच्चों दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है? 3। तो 3 के बाद क्या आएगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है? काउंटिंग पढ़नी है। तो पढ़िए 3 के बाद, 3 के 3 तक काउंट करिए, फिर उसके बाद कौन सा आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। 3 तक काउंट करिए। 0, 1, 2, 3। अब क्या आएगा बच्चों? 4। 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो 3 के बाद आप क्या लिखेंगे? 4। बच्चों ये वाला वर्क आपको बुक में नहीं करना है, ये वर्क आपको अपनी 3-in-1 नोटबुक में करना है, ठीक है? अब क्या लिखा हुआ है? 9। क्या लिखा हुआ है बच्चों? 9। तो हर्षित आप बताइए 9 के बाद क्या आएगा? हर्षित आप बताइए। 0 काउंट काउंटिंग पढ़िए तभी तो आप बता पाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब क्या आएगा? 10। तो 9 के बाद क्या आएगा? हर्षित 10। 9 के बाद आप लोग क्या लिखेंगे? 10। अब क्या लिखा हुआ है? अनुष्का आप बताइए क्या लिखा हुआ है ये? 7। क्या लिखा हुआ है? 7। तो अब बताइए मुझे 7 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद में क्या आएगा बताओ? 7 के बाद क्या आता है? तो काउंटिंग पढ़िए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद क्या आएगा अनुष्का? 8। क्या आएगा? 8। तो यहाँ आपको 7 के बाद क्या लिखना है? 8। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये वर्क अपनी 3-in-1 नोटबुक में करना है, ओके? लक्ष्य आप बताइए ये क्या लिखा हुआ है? 15। क्या लिखा हुआ है? 15। तो अब बताइए मुझे 15 के बाद क्या आएगा? तो आप लोग काउंटिंग कहाँ से पढ़ेंगे? 11 से। कहाँ से पढ़ेंगे? 11 से। तो 11, 12, 13, 14, 15। अब क्या आएगा? 15, 16। तो 1, 5, 15 के बाद क्या आएगा? 1, 6, 16। क्या आएगा लक्ष्य? 1, 6, 16। तो 15 के बाद आप लोग क्या लिखेंगे? 16। अब क्या लिखा हुआ है ये? अथर्व आप बताइए क्या लिखा हुआ है? 1। क्या लिखा हुआ है? 1। तो अब बताइए 1 के बाद क्या आएगा? काउंटिंग पढ़िए। 0, 1, 2। तो 1 के बाद क्या आया? 2।
क्या आया वन के बाद? टू। तो यहाँ क्या लिखेंगे अथर्व? वन के बाद टू। वन के बाद क्या लिखेंगे? टू। अब क्या दिया हुआ है? सॉरी बताइए, क्या दिया हुआ है? फोर्टीन। क्या दिया हुआ है? फोर्टीन। तो अब फोर्टीन के बाद क्या आएगा? तो इलेवन से काउंटिंग पढ़िए। इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन। फोर्टीन के बाद क्या आएगा बच्चों? फिफ्टीन। फोर्टीन, फिफ्टीन। तो फोर्टीन के बाद आप लोग क्या लिखेंगे? वन, फाइव, फिफ्टीन। क्या लिखेंगे बच्चों? फिफ्टीन। फोर्टीन के बाद फिफ्टीन। ठीक है सर, आप बताइए। मिस जी आप बताइए। इलेवन, क्या लिखा है? इलेवन। तो इलेवन के बाद क्या आएगा मिस जी? काउंटिंग पढ़िए। इलेवन, ट्वेल्व। इलेवन के बाद क्या आया मिस जी? ट्वेल्व। वन, टू, ट्वेल्व। तो आप इलेवन के बाद क्या लिखेंगी? ट्वेल्व। सभी बच्चे बताइए, इलेवन के बाद क्या आएगा? ट्वेल्व। क्या आएगा? ट्वेल्व। अब बच्चों बताओ ये क्या लिखा हुआ है? थर्टीन। क्या लिखा हुआ है? थर्टीन। मुझे कौन बताएगा थर्टीन के बाद क्या आता है? कौन बताएगा? हार्दिक आप बताओगे? नहीं, हार्दिक को तो खेल खेलना है, पढ़ाई नहीं करनी है, है ना हार्दिक? जल्दी से बताओ मुझे फिर। वन, थ्री, थर्टीन। थर्टीन के बाद क्या आएगा? तो काउंटिंग पढ़िए। इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन। तो थर्टीन के बाद क्या आएगा? फोर्टीन। वन, फोर, फोर्टीन। बच्चों अब आपको इसी तरीके से अपनी थ्री इन वन नोटबुक में मैथ का वर्क करना है। ठीक है बच्चों, साफ साफ राइटिंग में करेंगे सब। ओके बाय।